अच्छा आते सलाह कोई नहीं तो फिर सोच लिया अपना हाल, ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारो। कौन सी नाम हमारा? नमस्ते प्रणाम, हम आप सबका अपना बेटा भाई भोजपुरी गायक छोटू चिंगारी। तो इस वीडियो को जितने भी देखने वाले लोग हैं, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हो या पावर स्टार पवन सिंह के चाहने वाले लोग हो या हमारे अपने भाई लोग हो, इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिएगा वीडियो देखने से पहले, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बात करना बहुत जरूरी है, अभी इन दिनों एक नया विवाद शुरू हो रहा है पावर स्टार पवन सिंह के लाइव को लेकर। वो लाइव में बोले थे कुछ कि कोई यूट्यूबर है उसको लेकर कि तुमको बहुत मारेंगे, करेंगे, वो करेंगे, तू मेरे खिलाफ बोलना करना छोड़ दो। तो ज्यादा हम उस यूट्यूबर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा पावर स्टार पवन सिंह से बात करेंगे और उनसे मेरा एक सवाल रहेगा और उनसे मेरा एक सलाह रहेगा। उनका चहेता होने के नाते, उनका हमदर्द होने के नाते जो कहिए, क्योंकि पवन सिंह के लिए हम लोग काफी दिनों से उनके साथ खड़ा थे, खड़ा है और खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग पवन सिंह के अगर कोई कुछ बोलता है, अगर उनको खिलाफ कोई कुछ करता है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो हम लोग शुरू से खड़ा होते आए हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। लेकिन सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह का मेरा एक सलाह है, तो वीडियो को आप लोग सबसे ज्यादा शेयर कर दीजिए जितनी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस है, कि भैया लाइव में आकर किसी को आप इस तरह से बार बार नहीं बोलिए, आपको बोलने से आपका लेवल नीचे जा रहा है और वो जिसका कुछ पांच पैसा का औकात नहीं है वो प्रमोट हो रहा है। हर प्रमोट क्या हो रहा है, कोई एक रूम में बंद होकर आपके खिलाफ दिन भर वीडियो बनाएगा तो उसको प्रमोट क्या बोलते हैं? अगर इतना ही सेलिब्रिटी बनने का उसको शौक है तो गाना वाना गाए, गाली उली देकर कोई कितना फेमस होगा, हाँ कितना लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं, प्रमोट मतलब सुपर स्टार थोड़ी बन जाएगा। हाँ हालांकि आपका नाम ले लेकर अपना बिजनेस चला रहा है, यूट्यूब से पैसा कमा के अपना घर परिवार चला रहा है, ये सही है। तो लेकिन देखिए आप उसको जो लाइव में बोल रहे हैं कि तुमको मारेंगे, तुम हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दो, ये करो, भैया आपका लेवल ये नहीं है, भैया आपका लेवल नहीं है ये सब बात बोलने के लिए। हम लोग हैं ना और बहुत भाई लोग हैं ना, आप इस तरह से नहीं कीजिए भैया, आप उतावला नहीं होइए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। हर पांच दिन पे, हर आठ दिन पे या हर दस दिन पे ही एक गाना मार्केट में जरूर दीजिए, उसके बाद देखिए इन लोगों का औकात पता चल जाएगा। आप कंटिन्यू सिर्फ हर सप्ताह में एक गाना दीजिए ना, उसके बाद देखिए पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री बंद नहीं हो गया ना सबका दुकान, और सिर्फ आपका गाना चलेगा, सिर्फ आपका नाम नहीं चलेगा ना, तो भी जो कहिएगा सो। इसलिए मेरा सलाह है कि ये सब फालतू चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए, कोई कुछ बोलता है कुछ करता है उन लोगों पर सीधा कार्रवाई करवाइए, बोलिए नहीं। आप चाह जाइएगा ना भैया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप चाह जाइएगा तो चुटकी में उसका चैनल उड़वा सकते हैं। आप चाहिए ना, आप चाह ही नहीं रहे, आपसे बोल रहे हैं, चाहिए ना। मेरे खिलाफ भी बहुत लोग गाली गलौज करता था, बहुत सारे लोगों का चैनल जब हम उड़वा सकते हैं, वैसे लोगों को हम चैनल में वीडियो ब्लॉग करवा सकते हैं, तो भैया आप तो आप हैं, आप तो आप है भैया, आप पावर स्टार है, आप चाह जाइएगा तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप चाह ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बार बार आकर समझा रहे हैं, समझाइए नहीं ना। सहने का एक सीमा होता है, वो सीमा समाप्त हो चुका है, अब समय नहीं है कि आप सहिए और जवाब दीजिए, जवाब देने वाला टाइम नहीं है। जिसको सुधारना रहता, समझना रहता, वो समझ जाता, अब सीधा कार्रवाई करवाइए भैया, जिस तरीका से करवाना कार्रवाई करवाइए। इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करवाइए, वैसे लोगों को आप नहीं बोलिए, बोलने के लिए अपने भाइयों पर छोड़ दीजिए। और हाँ एक और, आपके टीम पे हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं, आपके साथ जो टीम में लोग रहते हैं किस लिए रहते हैं भैया, थोड़ा आप बताइएगा, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है, ये पर्सनली भी पूछा जा सकता था आपके टीम के लोगों से। हालांकि बहुत लोगों से बात हुआ है इस पर, हम लोग सबका एक ही विचार हुआ, यहाँ ये तो गलत है। आपके साथ जो टीम रहते हैं किस लिए रहते हैं, सिर्फ आप के साथ पीछे खड़ा होकर फोटो खिंचवाने के लिए भैया? आज तक आपका एक गाना को लोग प्रमोट करते हैं, टीम को रखे किस लिए है आप, वो टीम है किस लिए आपका, थोड़ा भैया बताइएगा। हाँ पवन भाई आपसे पूछ रहे हैं, और जितने भी उनके चाहने वाले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुंचे, और पहुंचने के लिए तो हम लोग पहुंचा ही देंगे, और बात भी हम लोग कंटिन्यू जारी है इस मुद्दा पे। हालांकि हम उनके चाहने वाले लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग देखिए जो हम करें समझिए, इसमें पवन सिंह को बीच में नहीं आना चाहिए, उनके टीम मेंबर को आना चाहिए, लेकिन उनके पास जो टीम है केवल नाम का टीम है, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए टीम होता है। आज तक आपके टीम के लोग कितना आपके गाना को प्रमोशन किए, कितना बार अपने फेसबुक से लाइव आकर गाना का प्रचार प्रसार करते हैं, वही आपका जो विरोधी है, विरोधी का टीम का जितना लोग हैं, म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर एक राइटर से लेकर एक मैनेजर तक,
गाने को प्रमोट करते हैं, चाहे विवाह करवा के करवाएं चाहे कुछ भी करवा के करवाएं, उसके गाने को प्रमोट करते हैं, तब जाके उसका गाना हिट होता है, उसका व्यूज आता है। और आपके टीम के लोग सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं, आप बोलिएगा तो गाना लोगों तक पहुंचेगा, नहीं तो टीम के लोगों को उनका कोई मतलब नहीं है। टीम में सबसे पहले ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जो आपके गाने को प्रमोट करे। और एक चीज, आप दो दो महीना तीन तीन महीना इंडिया से भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब हो जा रहे हैं और 3 महीना बाद आके एक दो गाना दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा भैया। आपके फैंस भी एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम सब सो चुके हैं, क्योंकि आप कब गाना देते कुछ पता नहीं चलता। लॉकडाउन में जिस तरीका से आप गाना दे रहे थे, देख रहे थे किस तरह से हिट हो रहा था, कोई था आसपास टक्कर में, सब गाना 1000 मिलियन पुदीना से लेकर नजरिया लगे 100 मिलियन तो 200 मिलियन का परफॉर्मेंस रहा, कोई था आपके आसपास? जब आप कंटिन्यू गाना गाना शुरू करते हैं तो कोई आपके आसपास इर्द गिर्द भी रहता है भैया? इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए और हर 8 दिन पर, 1 सप्ताह, 5 दिन पर एक गाना दीजिए, खुद इन लोग का बाजार बंद हो जाएगा, खुद इन लोग का मार्केट बंद हो जाएगा। और ट्रेंडिंग में आपका अगर हर सप्ताह गाना देते हैं तो 1 महीना में 5 गाना नहीं गया ट्रेंडिंग में ना, तो फिर भाई आप कहिएगा। सिर्फ आप काम पे ध्यान दीजिए, इस फिल्म के चक्कर में 2 महीना 3 महीना लंदन चल जा रहे हैं, मार्केट को सुना कर दे रहे हैं, फिर आ रहे कुछ गा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, एकदम मजा नहीं आ रहा है। ऐसा फिल्म कौन काम के, एक फिल्म के चक्कर में आप भोजपुरी गाना गाना छोड़ दिए। आपका पहचान भैया गाना से है, आपका करियर कभी खत्म नहीं हो सकता, आप गायक हैं, आपका गायकी कभी खत्म नहीं हो सकता। कुछ लोग मैटर के बदौलत थिएटर में लोग खत्म हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा फिल्म के चक्कर में क्यों रह रहे हैं? आप फिल्म ही कर रहे हैं तो इंडिया में कीजिए। बहुत लोकेशन है, जम्मू कश्मीर से लेकर आप बेंगलोर से लेकर आप उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश कहीं शूट कीजिए ना, क्या जरूरी है लंदन में शूट करना, 6-6 महीना 2-2 3-3 महीना इंडस्ट्री से गायब रहना, फिर उधर से आना तो 1-2 गाना गाना, मजा नहीं आ रहा है भैया, मजा नहीं आ रहा। आप सिर्फ कंटिन्यू गाना गाइए भैया, सबका मार्केट खत्म नहीं हो गया ना, तो आप कहिएगा। सिर्फ आपका डंका जैसे बजता था बजता ही रहेगा, आपका करियर खत्म नहीं होगा। आप पे खुद से अपने करियर को खत्म करने पे लगे हुए हैं। 6 महीना पे 2 महीना पे 3 महीना पे एक गाना दीजिएगा, उससे क्या होगा है? फिर 2 महीना सुध जाइएगा, उससे क्या होगा? पब्लिक आपको जो चाहने वाली ऑडियंस से प्यार कर, वो सो जाती है कि पता ना कब आएंगे क्या होगा, मतलब उनके अंदर जो उतावलापन होता है आपको सुनने का, समझने का, आपको देखने का लक्ष्य होता है, वो मर चुका होता है, तब आप आखिर एक गाना देते हैं। फिर भी आपका गाना ब्लॉकबस्टर होता है, होली में आपका गाना धुआं धुआं कर दिया, फलाना वो फरार बेली, इस गाना के आगे कोई तुलना नहीं है, गाना ट्रेंडिंग में भी है भैया और गाना धुआं धुआं कर दिया। तो इस तरह से भैया आप कंटिन्यू सिर्फ गाना दीजिए, ऐसे विरोधी लोगों को जवाब नहीं दीजिए और टीम में वैसे लोगों को शामिल कीजिए ना भैया जो आपके लिए काम करे। हो सकता है कि आपके टीम मेंबर में जो लोग हैं, हो सकता है आपका साइड बिजनेस होगा, बिजनेस को देख रहे होंगे, हालांकि आपका जो मेन बिजनेस है, मेन काम है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको काम करना, गाना गाना, फिल्म करना, संगीत से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका टीम के लोग उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को अपने टीम में क्यों रख रहे हैं? और हाँ, चापलूस लोगों से सावधान, आप अगर गलत भी कर रहे होंगे तो आपके टीम के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे लोगों को नहीं रखिए। हाँ, आपको जो सही रास्ता दिखाए, चाहे हम हो चाहे कोई भाई हो, बहुत सारे आपके टीम में ऐसे भी भाई हैं जिनसे हम लोग का हमेशा बात होते रहता है, तो ऐसे लोगों को शामिल कीजिए ना जो कि आपका गाना आने से पहले 4 दिन से पहले से प्रमोशन जारी रहे और गाना आने के 4 दिन बाद तक प्रमोशन जारी रहे। ऐसे लोगों को रखिए ना टीम में, केवल अपने साथ फोटो खिंचाने वाले लोगों को टीम में नहीं रखिए, उससे कुछ नहीं होगा। फिर आप इसी तरह से आइए और लोगों को धमकाते रहिए, बोलते रहिए, काम से जवाब दीजिए भैया, आपके अंदर क्वालिटी है, क्वांटिटी है, आप काम से जवाब दे सकते हैं, आपको बोलने का जरूरत नहीं है, समझ गए ना? आप शेर हैं तो शेर बार बार नहीं गरजता, एक ही बार गरजता है, एक बार आप गरजे थे ना, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री भौंका लग गया था, भूचाल आ गया था। इसी तरह से बार बार आप क्या औकात है उसका, क्या लेवल है जिसको आप बोल रहे हैं? कोई लेवल है भैया? एकदम लेवल नहीं। इसलिए आप लोग, आप उसके बारे में नहीं बोलिए, आपके टीम के लोगों को बोलना चाहिए। आपका टीम के लोग आते क्यों नहीं बोला? आपके टीम के लोगों को उसके चैनल पर स्ट्राइक मरवाना चाहिए, वीडियो को डिलीट कराना चाहिए। भैया बोले तो कि हमारे खिलाफ गाली देने वाला लोगों को कितना कुछ चैनल हम गायब करवा दिए, तो फिर आपका टीम, आप तो आप हैं, चाह ही नहीं रहे, आप चाहते कहाँ हैं? सिर्फ बोलने से क्या होगा? बार बार विवाद अच्छा नहीं है भैया, विवाद नहीं कीजिए, काम कीजिए। और अगर आप हर 5 दिन पे एक गाना दीजिएगा ना, हर सप्ताह में एक गाना दीजिएगा ना, तो फिर आपके आसपास इर्द गिर्द कोई नहीं टिकेगा भैया। ये हम लिख के देते हैं, लिख के लीजिए। सिर्फ आप हर सप्ताह एक गाना गाइए और मजे से देखिए, फिर आपका
जो लेवल है वो कैसे बरकरार रहता है, और दूर दूर तक कोई आपके आसपास ना था ना फिर आएगा, लेकिन आप कि 2 महीना 3 महीना सूच जाते हैं मार्केट छोड़ के, कभी लंदन तो कभी जापान तो कभी टोक्यो तो कभी अमेरिका चल जाते हैं फिल्म के चक्कर में। फिल्म के चक्कर ठीक है, इंडिया में शूट कीजिए, 2-2 3-3 महीना मार्केट से गायब नहीं रहिए, विदेश में फिल्म करना सही है, आप कीजिए, कुछ नए करने का शुरू से प्रयास करते आए हैं, बहुत कुछ नया किए हैं, बहुत सारा लकीरा खींचे हैं, सही है, लेकिन मेरा सलाह है कि सिर्फ आप हर सप्ताह एक गाना दीजिए, वही आपका जवाब होगा, और उसका परफॉर्मेंस फिर देखिएगा कितना मजा आने वाला है। अच्छे अच्छे राइटर को अपने साथ रखिए, समझ गए ना, चापलूस लोगों को अपने साथ नहीं रखिए, अच्छे राइटर। विनय बिहारी गोविंद विद्यार्थी का भैया गाना गाते थे और वो सब गाना कितना हिट था, कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर से टीम में लाइए, एक अच्छा टीम बनाइए, ठीक है सब काम मौज मस्ती करते हुए कीजिए, लेकिन बस गाना पे भैया फोकस कीजिए ना, फिर देखिए आपको कोई कैसे कुछ बोल के निकल जाएगा, मौका ही नहीं मिलेगा। आप मौका तो खुद देते हैं, 2 महीना मार्केट से गायब होते हैं, 2 महीना पर एक गाना का देते हैं ऑडियंस को, पब्लिक को आपको पता भी नहीं चलता है। गाना आज रिलीज होने वाला तो 11 बजे रात को आप अपने फेसबुक से पोस्टर शेयर कीजिएगा कि गाना सुबह 6 बजे आ रहा है, 11 बजे रात को तो सब सो जाते हैं, इसलिए अपने टीम को लोगों को एक्टिव करवाइए, सबसे पहले टीम में ऐसे लोगों को शामिल करवाइए जो कि गाना आने से 4 दिन पहले से प्रमोट करे, गाना आने के 4 दिन बाद तक प्रमोट करते रहे, तब देखिए ओरिजिनल पावर स्टार पवन सिंह का पावर तांडव क्या होता है, आपके अंदर क्वालिटी है, मैटर के बदौलत भैया थोड़ी हिट है, आप जो गाना को देते हैं गाना हिट हो जाता है, बस आपको कंटिन्यू करने का जरूरत है, आप बस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, यही चूक हो रहा है, इसको सुधारिए, बाकी सब चंगा चल रहा था, सब चंगा चल रहा है, बाकी आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा था, आपकी वजह से हम लोग लाखों लोगों से दुश्मनी ले चुके हैं, समझ गए ना, लाखों लोगों से, इसलिए हम लोग को चिंता होता है आपके लिए, आपके कैरियर को लेकर, अगर आपको कुछ बोलता है उसको लेकर बहुत तकलीफ होता है हम लोगों को, इसलिए हमारा सलाह है भैया इस पे थोड़ा सोचिए, अमल कीजिए और तब देखिए क्या होता है, मजा कितना आता है। सिर्फ और सिर्फ आप गाना कंटिन्यू कीजिए ना, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, बाकी तो हम लोग भैया समझ लेंगे। तो वीडियो को आगे तरफ फैलाइए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा शेयर कीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा, जितने लोग देखे होंगे आगे तरफ फैलाइए, शेयर कीजिए, और ताकि जो हम जो बोले हैं अगर गलत है या सही है कमेंट करके बताइए, और लोगों तक पहुँचना चाहिए कि मेरा विचार सही है या गलत है, क्योंकि बार बार केवल विवाद सही नहीं है, विवाद से कुछ नहीं होता है, बस आप काम पे ध्यान दीजिए ना, फिर देखिए कैसे मजा आता है और पावर स्टार का डंका कैसे बजता है। जय हो, लव यू।